मान, दिस इज फॉर यू। आनगढ़ पहुंचते हैं अभी, ओके व्यूअर्स को मिले चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो वेलकम है आपका द हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ में, जिसे भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। बाइक पार्क कर दी है और स्वेटेज इस वजह से रखे हैं क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है और चीट फाट सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं भानगढ़ किला। आ जाओ, स्वागत है आपका हॉन्टेड प्लेस या हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ में, इसे भूता किला के नाम से भी जाना जाता है। लोग बोलते हैं अलग अलग सबके मिथ हैं, जितने लोग उतनी बातें। लेट्स सी, ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, आयरन बार्स। यहाँ पे बंदर बैठे हैं, देखिए कैसे ठंडी लग रही इनको बेचारे। ये है भानगढ़ किले का टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट है 25 रुपए पर पर्सन एंट्री के लिए और ये हमने टिकट्स ले ली हैं। किले के अंदर एक हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना की गई है, लोग यहाँ पूजा करते हैं। टिकट लेने के बाद आपको रजिस्टर पे अपने नाम और मोबाइल नंबर की एंट्री करनी होगी। ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है, अब यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ घूमिए भानगढ़ का भूतिया किला। इस किले के बारे में सबकी अपनी अपनी राय है, बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब राजा जी ये किला बनवा रहे थे तो वहाँ पे सामने एक ऋषि मुनि जी थे, उनकी कुटिया थी, तो उन्होंने कहा था कि आप किला ऐसा मत बनवाइए कि उसकी परछाई मेरे कुटिया तक पड़े और रोशनी ना पाए। तो उन्होंने माना नहीं और उन्होंने जब बना दिया किला तो ऋषि मुनि जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश जो है और तुम्हारा किला सब ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से उसके बाद से इस किले का पतन शुरू हो गया। कबूतर गिलहरी सब साथ में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना हुआ है, टूटा फूटा सा। थोड़ा डर तो अपने को भी लगता है बट कोई नहीं, देखते हैं। और गुप्ता जी हैं साथ में, आते टाइम भी थोड़ा आज फतेह करते हैं, किला फतेह करना है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था बट कोई नहीं, चलते हैं। तो आपको भी चलते हैं। उसके बाद बंद पर काम कह रहे थे बेटा, डर नहीं लगता। अच्छा ये बात सच है क्या कि यहाँ पे आवाजें आती हैं कभी? यहाँ पे इस तरह से कई लोग जो है बैठे हैं, पानी पिला देते हैं जो कोई घूमने आता है। ये है राजा जी का महल, द भानगढ़ किला, भूतिया किला। चलिए अंदर। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये है मंदिर भानगढ़ किले का। चलिए अंदर चलते हैं। जय हो प्रभु। ये यहाँ का हवन कुंड है। इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बस जो ये सामने दिख रहा है इससे को ही सब कुछ मानते हैं। थोड़ा सा इसमें भूतिया लुक है, तो देखिए बड़ा सा पेड़ है, इतना डरावना सा जैसे मूवीज में दिखाते हैं। Thank you.
और ये एक और है गेट, राज दरबार टाइप का। ये सब कबूतरों के घर बन गए हैं यहाँ पे किले में। तो ये है नज़ारा कुछ भानगढ़ किले का, काफ़ी ऊपर से है। अभी आपको दिखाते हैं पूरा। और इस वक्त मैं हूँ भानगढ़ के सबसे टॉप पे। इससे ऊपर अब कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी है। वो ऊपर वाली पहाड़ का थोड़ा सा नज़ारा एकदम टॉप से। इधर है, मैं इधर बॉर्डर पे हूँ और ये है भानगढ़ का नज़ारा, भानगढ़ किले का नज़ारा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। पता नहीं इसे हॉन्टेड साइट क्यों कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ऐसा था कुछ हमारा टूर भानगढ़ किले का, एक हॉन्टेड प्लेस। एक लास्ट टाइम आपको और व्यू दे देते हैं इस हवेली का, इस किले का। दिस इज द व्यू, लास्ट व्यू। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। सो सी यू देयर, बाय बाय। और ये भानगढ़ किले में हम लोग को कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं। क्या नाम है भाई आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, और आप? हरिओम सर। डर लगता है क्या भाई? नहीं कुछ भी नहीं लगता, मैं तो अभी तो आदत ही हो गई है यहाँ पे। अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आते रहते हैं, जब मन किया जब आ जाते। रात को रुकता है, उनको आती है थोड़ी, 5 बजे बाद। भानगढ़ का किला एक भूतिया महल है या नहीं ये कहताना तो बड़ा मुश्किल है, पर इन माई ओपिनियन ऐसा कुछ है नहीं। पर फिर भी अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी साथ आ सकते हैं और यहाँ पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं और प्री वेडिंग शूट भी हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इस किले के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है कि पहले क्या हुआ था, बट फिर भी ये किला है बहुत खूबसूरत।
तो आप लोग एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। उसके महीने में मामा की जरूरत होगा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग काफ़ी लकी निकले कि ये साल में एक बार ही भंडारा होता है यहाँ पे भानगढ़ में, और आज ही के दिन वो भंडारा है लो, और हम लोग उसे जय माता दी करके एंजॉय कर रहे हैं।